नमस्कार दोस्तों, आप सबने मम्मी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन कभी सोचा है कि इसे मम्मी क्यों बोलते हैं, ये क्यों बनाई जाती थी और कहां पाई जाती है। फैक्ट फाइल्स में आज हम आपको मम्मी से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। हम सभी विश्व के 7 अजूबों में से एक मिस्र के बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि मिस्र के पिरामिड के अंदर मम्मी को रखा गया है। मृत शरीर पर लेप आदि लगाकर उसे सालों तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को मम्मी कहा जाता है। मम्मी की उत्पत्ति प्राचीन काल में मिस्र में हुई। मिस्र के लोग और बाकी देशों के लोग अपने प्रियजनों और अपने प्रिय जानवरों की मृत्यु के बाद उनकी मम्मी बनवाकर उन्हें सालों तक संभाल कर रखते थे। मिस्र में 1 मिलियन से भी ज्यादा मम्मी हैं। इसके अलावा पूरे विश्व में मानव और जानवरों की मम्मी आज भी पाई जाती है। क्यों तैयार की जाती थी मम्मी? प्राचीन मिस्र और विश्व के कई अन्य देश के लोगों का पुनर्जन्म में विश्वास था, और वे यह मानते थे कि मृत व्यक्ति के शरीर को संभाल कर रखा जाना चाहिए, ताकि अगले जन्म में वो उस शरीर को पा सकें। इसी सोच की वजह से प्राचीन काल से लोगों ने मम्मी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, और प्राचीन काल में शुरू हुई यह प्रक्रिया आज तक जारी है। क्या है मम्मी शब्द का अर्थ? लोगों का मानना है कि मम्मी बनाने का काम मिस्र में शुरू हुआ था, इसलिए यह प्राचीन मिस्र का शब्द है, लेकिन वास्तविकता में यह अरबी भाषा के मुमिया शब्द से बना है। अरबी भाषा में मोम या तारकोल के लेप से सुरक्षित रखी गई चीज का अर्थ मुमिया होता है। कैसे तैयार की जाती थी मम्मी? प्राचीन काल में मम्मी बनाने में लगभग 70 दिन का समय लगता था, और इसे बनाने के लिए धर्मगुरु के साथ साथ विशेषज्ञ भी होते थे। मम्मी बनाने के लिए सबसे पहले मृत शरीर की पूरी नमी को समाप्त किया जाता था। इस काम में कई दिन लगते थे। शरीर से नमी समाप्त होने के बाद उस पर कई तरह के लोशन, तेल और कई तरह के रोगन से मालिश की जाती थी। फिर पट्टियां लपेटने का काम किया जाता था, और पूरे शरीर पर पतले कॉटन की परत दर परत पट्टियां लपेटी जाती थी। पट्टियां लपेटने के बाद शरीर के आकार से मिलते जुलते लकड़ी के ताबूत तैयार किए जाते थे। इन ताबूतों को रंग कर मृत व्यक्ति या पशु के चेहरे सहित उसका रूप दिया जाता था। इसके बाद धर्मगुरु के मतानुसार इस पर धार्मिक वाक्य आदि लिखे जाते थे, और एक धार्मिक समारोह करके ताबूत को शरीर समेत चबूतरे पर सम्मान के साथ रख दिया जाता था। मिस्र में आज भी अपने प्रियजनों और प्रिय पशु की मम्मी तैयार करवाई जाती है। वहीं साम्यवादी देशों में लोग अपने महान नेताओं की मम्मी तैयार करवाते हैं। आधुनिक रूस के निर्माता और बोल्शेविक क्रांति के जनक लेनिन की मम्मी रूस में तैयार करवाई गई थी, और वह आज भी वहां के म्यूजियम में रखी हुई है। अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारे इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।